बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि इस चैनल से भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली इनकम आ गई है। बेसिकली ये यूट्यूब से मेरी पहली इनकम नहीं है, यूट्यूब से मेरी ये सेकंड इनकम है, लेकिन मैं इसको अनाउंस इसलिए अब कर रहा हूं क्योंकि इस चैनल से ये मेरी पहली इनकम है। पहले चैनल के ऊपर इनकम आने के बाद उसके साथ क्या हुआ, मैंने YouTube कब स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया और मेरी इनकम कितनी आई है और यहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये सब कुछ मैं आपको छोटी सी वीडियो के अंदर फौरन बताने वाला हूं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर पहले से चैनल पे मौजूद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। कोरोना के इनिशियल डेज में जब हम लोग घर बैठे थे, हमें ऑफिस से छुट्टियां हो गई थी, वर्क फ्रॉम होम हम कर रहे थे और घर बैठ के काम करने के साथ साथ जो है वो थोड़ी सी बोरियत होती थी क्योंकि ऑफिस का माहौल नहीं मिलता था। इससे पहले मेरी मिसेज ने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया हुआ था और उनका चैनल जो है वो जनरल नॉलेज का है, बहुत जल्दी माशाल्लाह से ग्रो हुआ था और बहुत अच्छे से इनकम आना स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप व्लॉगिंग करें। बेसिकली मैंने YouTube को ज्वाइन किया था एज ए व्लॉगिंग के लिए। मैंने स्टार्ट वाले चैनल के ऊपर कुछ व्लॉग किए, मुझे वीडियो एडिटिंग भी नहीं आता था, कभी इधर की वीडियो चढ़ा देता था, कभी उधर की वीडियो चढ़ा देता था। बहरहाल करते कराते किसी तरह से मैंने जो है वो 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। फिर उसके बाद जो है वो मैंने 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट किया, उस चैनल को मैंने मोनेटाइज कर दिया। लेकिन जब मैं स्ट्राइक पे आ चुका था, जब मेरा चैनल सब्सक्राइबर भी पूरे कर गया था और वॉच टाइम भी पूरा हो गया था, उस दौरान मुझे वीडियो एडिटिंग भी थोड़ी बहुत सीख गया था, साथ में मुझे जो एक मेरा इंटरेस्ट था कि किसी को कुछ सिखाऊं टेक वीडियोस की तरफ, मुझे वीलॉगिंग से मजा बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो उसी चैनल के ऊपर टेक वीडियोस जो है वो तरतीब में शेयर करना स्टार्ट कर दी। मेरा चैनल ग्रो होना शुरू हुआ और मेरी फर्स्ट इनकम जो है वो करीब थी वो फर्स्ट थ्रेशोल्ड यूट्यूब का पूरा होने वाला था और मेरी जो है वो मैं एक्साइटेड था कि मुझे जो है वो वहां से इनकम आने वाली है। इस दौरान जो है ना YouTube ने मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया। बहुत अगुदो के बाद मैंने डिफरेंट ट्यूटोरियल देखे कि किस तरीके से रिकवर कर सकूं। मैं खुद उनसे डायरेक्टली टीम से बार हाथ चैट करता रहा। फिर मुझे जो है वो ये फिर मुझे किसी ने सजेशन दी कि आप जो है वो उनको अपील करें। मैंने वहां पे एक अपील की, फिर दो अपील्स की, फिर डिसाइड होके जो है वो मैंने उसको चेस करना छोड़ दिया कि अब वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा और मेरा चैनल जो है वो वापस नहीं आने वाला। तो फिर मैंने HP लाइफ विद KK को स्टार्ट किया। कुछ मेरी वो वीडियोस ऑलरेडी मौजूद थी, मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली इस चैनल को जो है वो टेक और ऑनलाइन अर्निंग के लिए सिलेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल बहुत जल्दी ग्रो हुआ और इस चैनल ने जो है वो सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी पूरे कर लिए और वॉच टाइम भी बहुत जल्दी पूरा कर लिया। और मेरा उस चैनल की इनकम जो एडसन के अंदर मौजूद थी, जो कि थ्रेशहोल्ड कंप्लीट नहीं था, इस चैनल को भी उसी एडसन से मैंने लिंक किया और इसकी इनकम भी जो एडसन में आई और मेरा फर्स्ट थ्रेशहोल्ड जो उस चैनल की ज्यादा इनकम थी और इसकी थोड़ी इस तरह से कंप्लीट हुआ और मेरी वो पहली इनकम जिसको मैं दूसरे चैनल से रिलेट करता हूँ आई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल से भी मेरी इनकम आ गई है और मैं सबसे पहले अपनी यूट्यूब की फैमिली का बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार हूँ, खासकर आप लोगों का जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या वो लोग हैं जो सर्च के थ्रू मेरे चैनल पे आते हैं। थैंक्स टू ऑल कि आपकी वजह से आज चैनल बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है और मुझे इनकम भी आना शुरू हो गई है। लेकिन मेरा मकसद यहाँ से सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अब मेरा यहाँ पे एम ये बन चुका है कि मैं ऐसी चीज़ें लेके आऊँ, ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँ जिससे ना सिर्फ मैं कमा सकूँ बल्कि साथ साथ आप लोगों को भी कमाने के काबिल बना दूँ। तो ये है वो आबीती जो चैनल को स्टार्ट करने से लेकर आज की इनकम तक जो है वो मेरे साथ हुई। ख़त्म करने से पहले चीज़ बताता चलूँ, बहुत सारे लोग जो है वो बहुत जल्दी डिसाइड हो जाते हैं। मुझे भी कुछ लोगों ने डिसाइड करने की कोशिश की कि YouTube पे आप जो है वो टाइम वेस्ट करें। इवन के मेरी मिसेस ने जिसने चैनल स्टार्ट करवाया था उसने भी डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि आप ये ना करें, आप जो है वो ये इसकी वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कोई काम स्टार्ट करता हूँ फिर मैं डट जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं करूँगा और करके छोड़ता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से फास्टली चैनल ग्रो हो रहा है, इनकम आना स्टार्ट हुई है, तो होपफुली कि ये चैनल बहुत जल्द बहुत बड़ा चैनल भी बन जाएगा। नेक्स्ट किसी टेक या ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो तक आप दोस्तों से चाहूँगे ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।